हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीलम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंड विद नीलम। आज मैं आपको एक सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग सिखाऊंगी जो बहुत ही इजी वे में होगी। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारी कुर्ती के आगे और पीछे का पीस है। सबसे पहले हम कुर्ती में क्या करेंगे, गला बनाएंगे। तो गले के लिए हम क्या करेंगे, नौ बाय दस का दो पीस ले लेंगे बुकरम के, जिसे हम आगे और पीछे का गला बनाएंगे। और ऐसे ही हम दो पीस ले लेंगे कपड़े के, जो ये पलटने के काम आएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे आगे का गला। गला हम किसी भी शेप में ले सकते हैं। गले की चौड़ाई है 3 इंच, जो कि खुल के 6 इंच हो जाएगी। ये 3 इंच चौड़ाई है गले की और लंबाई है 7। अगर 7 लंबाई होती है तो आधा इंच हम सिलाई का रखते हैं तो हो जाएगा 7.5। तो हम 7.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे चौड़ाई का, और इसको आपस में मिला देंगे। अब हम इसकी शेप लेंगे। शेप हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे गोल ले सकते हैं, चौरस ले सकते हैं, पान ले सकते हैं। तो आज हम पान गला बनाएंगे। तो पान गले के लिए हम आधे से तो आगे जाके थोड़ा सा गोलाई में लेते हुए और यहाँ कॉर्नर में मिला देंगे। एक बार दोबारा बताती हूँ, यहाँ तक आपने कुछ नहीं करना। यहाँ से आधा से हम इसको गोलाई देंगे और इसे मिला देंगे। आधा इंच हम लेंगे इसका मार्जिन, और इसको हम पहले बाहर से काटेंगे फिर अंदर से काटेंगे। पहले हम बाहर से काटेंगे और फिर अंदर से काटेंगे। ये हमारा पान गला बनके तैयार हो गया। अब ऐसे ही हम बैक की गला काटेंगे। उसके बनाने का तरीका भी सेम होगा। वैसे ही हम 3 इंच लेंगे चौड़ाई और पीछे की गली की हमारी लंबाई है 5 इंच। तो 5 की जगह हम 5.5 लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा ऊपर कंधे पे। तो हम 5.5 लेंगे और चौड़ाई का निशान लगाएंगे इसका 3 इंच का, और इसको आपस में मिला देंगे और इसकी अब हम पीछे का गला हम गोल बनाएंगे। ये हमारा पीछे गला तैयार हो गया और ये हमारा आगे का गला तैयार हो गया। तो पहले हम आगे गले की सिलाई करेंगे। तो कैसे गले लगाना है देखिए आप। ये हमारे पे 2 पीस हैं। हम इस पीस को ऐसे करके फोल्ड करेंगे, पहले हाफ में फोल्ड करके हम बीच में से कट का निशान लगाएंगे। अब इस पर अपने गले को हम रखेंगे और गले पे यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान यहाँ बीच में रखेंगे 3, और यहाँ रखेंगे 6 इंच। 6 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे और ऐसे ही यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये हमारा 6 इंच गला चौड़ाई में तैयार हो गया। अब हम इसको सेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम पिन से अटैच कर देंगे जिससे हमारा गला आगे पीछे ना भागे। बिगनर्स ये ध्यान रहे कि इस तरह पिन लगा लेंगे तो उनको गले बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें हम इस तरह रख के
अब हम पहले आगे के पोर्शन के वेला लगाएंगे। ये हमारा आगे का पीस है, इसका लगाने का तरीका भी सेम ही है। आपने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है बीच में से, और यहाँ पे कट लगा देंगे बीच में। इसको खोलेंगे, कपड़े को सीधा रखेंगे। ये हमारा सीधा पोर्शन है और ये हमारा निशान लगाओ उल्टा पीस। तो आप सीधा रख के गले को भी इस तरफ सीधा होगा और यहाँ से उल्टा होगा। कट से कट को मिला देंगे। ये कट से कट मिलाएंगे और यहाँ पर एक बार हम दोबारा पिल लगा देंगे, जिससे हमारा गला निकले ना, ये आगे पीछे ना हो, सरके ना। अब हम इसको कॉर्नर पिल जाके कट से कट मिल गया है, ये पिंजरे सेट हो गया। अब हमने इसको नीचे करते हुए जहाँ जहाँ बुकरम है, बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है, उसकी जड़ में लगानी है सिलाई। जब पिन लगा देते हैं, पिन से हमें एक जगह सेट मिल जाता है गला, इससे ये फायदा होता है। ये बुकरम दिख रहा है, बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। जहां जहां बुकरम है उसकी जड़ में हमें सिलाई लगानी है। ये वी पॉइंट है और यहाँ आके मशीन को हमने रोक दिया। मशीन की सुई को अंदर रखना है, ऐसे करके अंदर रखना है और ऐसे धीरे से इसे लेके हमें बुकरम के साथ 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 सिलाई लगानी है। अब यहाँ से पिन हम बाहर निकाल देंगे और अब इसकी एक पैर छोड़ के कटिंग करेंगे। ये हमारा बुकरम है, बुकरम से एक पैर आगे ऐसे करके हमें कटिंग करनी है। ये हमारी कटिंग हो गई। अब इसे पलटने से पहले हमें यहाँ पे कट लगाने होंगे, जिससे गला आराम से पलट जाएगा। कट हमें तिरछा लगाएंगे, वह ध्यान ये रखना है हमने कि सिलाई हमारी बिल्कुल ना कटे। ये जो बीच का वी पॉइंट है, यहाँ पे हमें सीधा कट लगाना है ऐसे, और इसके बगल में तिरछा, इसके बगल में तिरछा। सिलाई का बस ध्यान रखना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी। अब ये गला बहुत आराम से पलट जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, किस सफाई से पलट गया गला। अब इस पे हमने बड़े टाके लगाना है, जो बाद में हम खोल देंगे और यहाँ पे इस जगह पे तुरपाई कर लेंगे। तो बड़े टाके की सिलाई लगा देंगे इसे जमाने के लिए। जहाँ वी पॉइंट है वहाँ पर मशीन रुकनी है और सिलाई सुई को बाहर नहीं निकालना। देखिए फ्रेंड्स, की सफाई से गला हमारा तैयार हो जाता है। ये हमारा आगे का गला तैयार हो गया, पान गला। अब हम पीछे का गला तैयार करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गला तैयार हो गया। लेकिन अब हम इसमें कच्ची सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें इसकी कंधी जोड़नी है, आगे और पीछे कंधी जोड़नी है, इसलिए हम कट का निशान नहीं लगाएंगे। अब हम नीचे तो रखेंगे उल्टा पीस और ऊपर रखेंगे सीधा। ये हमारा सीधी तरफ उल्टा होगा, यहाँ पे ये सीधा है और ये हमारा उल्टा है। अब इस पर रखेंगे आगे का पीस जो कि उल्टा रखेंगे हम, अंदर की तरफ सीधा और बाहर की तरफ उल्टा। ये बाहर उल्टा है और अंदर सीधा है, सीधा है, सीधा दोनों मिल जाएंगे आपस में। और अब हम इसकी कंधी जोड़ेंगे। कंधी कैसे जोड़ेंगे, ये हमारा पीछे का पीस है और आगे का पीस पे रखकर, ये पीछे का पीस है और ये आगे का पीस है, इसे रखकर यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर ऐसे पलट देंगे और इसका मार्जिन जो है वही इसको पलट देंगे और कंधे की हम ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। आधे इंच की दूरी पर हम इसकी सिलाई सीधी लगाएंगे। एक बार और लगाएंगे जिससे कि अच्छे से पक्का हो जाए। ये सिलाई लगाने का फायदा ये होता है कि जो ये ऊपर का जो मार्जिन है ये हमारा दिखता नहीं, ये अंदर छुप जाता है। इस तरह सिलाई लगाएंगे, देखिए ये पीछे छुप गया और ये फिनिशिंग आ गई पूरी। अगर हम डायरेक्ट लगा देते तो ये हमारा पोर्शन आगे का ये दिखता रहता। अब यहाँ हमारी बहुत फिनिशिंग आई। अब ऐसे ही हम इसको इस साइड से भी लगाएंगे। अब पीछे हम कच्चे की सिलाई लगाएंगे पॉइंट टक की, टाके को बड़ा कर देंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान जो हमारे ये लगे हुए हैं, इनको दूसरी तरफ भी लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसका निशान लगाएंगे और इसे दूसरी तरफ लेने के लिए इसको फोल्ड करेंगे। और इस पर हम थपथपा देंगे। ये हमारे निशान आ गए इस पर, इसको हम डार्क कर देंगे और इसे निशान लगा देंगे। अब इस पर हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। हम अब हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमें गोलाई देनी है, इस जगह पर जहाँ कमर के निशान है यहाँ पे हमें गोलाई देनी है। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये हमारा एक निशान है, यहीं से वापस हम दोबारा सिलाई वापस ले जाएंगे, जिससे सिलाई पक्की हो जाती है और फिनिशिंग अच्छी आती है। ये हमारा हिप आ गया। हिप पे हमने मशीन को अंदर सुई लगाकर रोक देना और इसको ऊपर करके हम वापस सिलाई को आर्मोल की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे हम एक पैर की दूरी देंगे सिलाई के इस जगह पे और वापस इसको इससे मिला देंगे सिलाई को। अब इधर की लगाएंगे सिलाई।
अब हम घेरा मोड़ेंगे जहाँ हमने कट के निशान लगा रखे हैं इस जगह, और ये दोनों कट के निशान लगे हैं आगे पीछे, यहाँ तक हम घेरे को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने का तरीका है, कट पे निशान लगाया इसको हमने ऐसे पकड़ा, और इस कट पे निशान लगाया इसको ऐसे पकड़ा, दोनों को कट से मिलाया और इसको ऐसे क्रीज बना देते हैं जिससे कि एक जैसा मुड़ता है। ऐसा क्रीज बना देंगे और इसको हम अंदर की तरफ हल्का सा टर्न करके मोड़ देंगे। यहाँ हमारा कच्चे की सिलाई लगेगी सारे में, बाद में इस जगह पे तुरपाई हो जाएगी, तो टाका हम बड़ा कर देंगे और इसको हल्का हल्का हाथ से प्रेस करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम इसकी घेरे से निशान लगा चाक मोड़ेंगे। चाक मोड़ने के लिए हमारा जो हिप का निशान है वो है 11:30 पे, तो 11:30 पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हिप का निशान होता है वही हमारे घेरे का निशान होता है। तो हम 11:30 पे निशान लगाएंगे। ये हमने 11:30 पे निशान लगाया, ऐसे पीछे कर देंगे इसको, पीछे से पीछे भी निशान लगा लेंगे 11:30 पे। अब यहाँ से हमारे को बॉटम मोड़नी है, ये हमारा चाक हो जाएगा, यहाँ तक हमारा घेरा हो जाएगा, ये हमारा घेरा हो जाएगा और ये हमारा चाक। चाक को हम इस तरह ऐसे फोल्ड करेंगे और जो जहाँ तक हमारी सिलाई लगी हुई है यहाँ से पकड़ेंगे और वैसे ही जैसे हमने पहले क्रीज लगाई थी क्रीज लगा देंगे जिससे कि इसमें जरा भी झोल नहीं पड़ेगा। ये देखिए क्रीज लग गई, अब इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और ऐसे हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। हमारा फोल्ड हो गया, अब इसे हम इसमें हम बाजू लगाएंगे।
ध्यान ये रखना कि हमने ना बाजू खींचनी है और ना ही कमीज, बहुत आराम से हमने सिलाई लगानी है। और कंधे पे आके सिलाई को हमने थोड़ा आगे तक ले जाना है, जिससे कि सिलाई सिलाई से मिल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ मुड़ गई, ये लग गई देखिए बाजू, कहीं कोई झोल नहीं, बिल्कुल सफाई से हमारी बाजू लगी है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ की बाजू लगाएंगे। अब मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ कुर्ती, देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बाजू लग के तैयार हो गई। बाजू में फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है, कहीं भी कोई झोल नहीं, कोई नहीं, सफाई से हमारा ये तैयार हो गई कुर्ती।